खबर हल्द्वानी से है, जहां दिवाली का त्योहार नजदीक है। दिवाली पर खाद्य पदार्थों को लेकर मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं, जिसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में शहर के कई मावा व्यापारियों और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई और सैंपलिंग की कार्रवाई भी की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शहर के 3 मावा कमीशन एजेंट और 2 मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है, जहां जांच के नमूने लेकर राज्य प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तो उक्त कारोबारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अभय कुमार सिंह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी, कैलाश चंद्र टमटा खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पूरे जिले में निरीक्षण और नमूना संग्रहण की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके लिए अतिरिक्त टीमें गठित की गई हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार को देखते हुए कमिश्नर साहब की तरफ से ऑर्डर आया था, तो इसी महीने हमने एक घी के सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया है। तो यहाँ भी बिकने वाले जितने भी ब्रांड है लगभग घी के, सबके नमूने लेकर हमने लैब में भेजे हैं, तो उसकी भी जैसी रिपोर्ट आएगी उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मिठाई की दुकानों में एक्सपायरी बेचने का या और दुकानों में एक्सपायरी का मामला है, तो हमारे यहाँ भी विधि सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक्सपायरी के लिए अलग से कमेटी बनी हुई है 4 विभागों की, उसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं। और अभी हमने पिछले समय में एक्सपायर्ड सामान बेचने पर ATM कोर्ट में बहुत केस फाइल किए हैं, तो ये भी हमारा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। जहाँ भी हमें एक्सपायरी मिलेगा हम लगातार उस पर कार्रवाई करेंगे और ATM कोर्ट में केस फाइल करके जुर्माने भी कराए जा रहे हैं।